हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किटी फन। मैं हूँ आपकी दोस्त नूपुर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक DIY डू इट योर सेल्फ क्राफ्ट वर्क। ये कैसे क्या बना रही हूँ मैं, ये एक जो आप कहते हैं प्रिंसेस क्राउन या टियारा। जनरली हम लोग जैसे अपनी किटी पार्टीज में हम लोगों को चाहिए होता है, हमने किसी को भी दिया कि मिस करवा चौथ, मिस होली या जो भी थीम बेस्ड हमारी किटी पार्टीज होती हैं उसमें हम लोग करते हैं, या बेस्ट कपल के लिए हमें ये टियारा की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे आप क्विकली घर में इजीली बना सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। उससे पहले फटाफट से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर दीजिए मेरे गेम्स के डेली अपडेट्स के लिए। और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनना है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक थिन वायर होता है, ये आपको ईजिली अवेलेबल होगा मार्केट में, इस तरीके का वायर चाहिए। ये कुछ फ्लावर्स हैं, इस तरीके के फ्लावर्स भी मिल जाते हैं जनरली क्राफ्ट शॉप पे आसानी से, मुझे भी बहुत आसानी से मिल गए हैं। और ये मोती, ये भी कहीं भी आपको मिल जाते हैं, इस टाइप के मोती हैं, कुछ ज़्यादा ऐसे कोई बहुत प्रीशियस मोती नहीं है ये। तो क्या करना है, मैं फटाफट इसमें मैं ये वायर लूँगी और इसके अंदर ये मैं मोती एक एक करके पिरो दूंगी इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग फटाफट ही मोती इसमें डाल देंगे। इस तरीके से क्विकली आपको ये मोती इसमें डालने होंगे, इस तरीके से आप ये मोती डालते जाएंगे। अभी देख सकते हैं मैंने इतने मोती इसमें डाल लिए हैं। तो इसी तरीके से हमें ये पूरे सर्कल में मोती डालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें काफ़ी सारे मोती डाल लिए हैं। अब इसमें थोड़े से मोती डालने और बाकी हैं, क्विकली हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी आगे इसमें हमें क्या करना है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ही मोती डालने वाला काम ज़्यादा है। और ये बहुत ही सुंदर आपका जो है, तो ये मैंने इसमें इतने मोती डाल लिए हैं। अब जो बचा हुआ वायर है वो मैं पीछे एडजस्ट कर दूंगी, जिससे कहीं पे छोटा बड़ा करना हो तो हम कर सकते हैं। आप इस वायर को कट भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ये रखना ही है। इस तरीके से मैंने इसको फ़िलहाल तो रोल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें और मोती डाल के एंड टू एंड तक भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें मोती डाल दिए, अभी फ़िलहाल आपकी एक माला हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये फूल निकालेंगे, पिंक कलर का फूल निकालें, उसमें से थोड़ा सा स्पेस लेके मोती के बीच में उसको ऐसे टक कर देंगे। हमें इसमें कुछ इस पर पेस्ट नहीं करना है, जैसे इसको ऐसे रोल करना, आप देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आपका रोल हो जाएगा फ्लावर। इस तरीके से ऐसे ही आप तो एक बीच में येलो फ्लावर भी लगा सकते हो। देखिए से हम इसे भी फटाफट से रोल कर देंगे, ये येलो फ्लावर लग गया। अब मैं एक और पिंक फ्लावर लगा लेती हूँ इसमें, मैं पिंक फ्लावर इसमें लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने इसमें तीन फ्लावर लगा दिए हैं, आप देख सकते हो मैंने इसमें और फ्लावर्स लगा दिए हैं यहाँ पे। अब मैं इसका फ्रंट डिज़ाइन करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक येलो और एक पिंक फ्लावर ले रही हूँ, इसको हम ऐसे आपस में टाई करेंगे तरीके से। ये आप देख सकते हैं ऐसे दो का सेट बन जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे जो मैंने वायर छोड़ा था यहाँ पे इसे लगाऊंगी।
इस तरीके से हम इसको भी इस पे लपेट देंगे। हमें इसमें कोई फेविकॉल या ग्लू या स्टिक की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने ये लगा दिया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना के रख रखे, तो मैं फटाफट से इनको लगा देती हूँ इस तरीके से। ये हमें बिल्कुल पास पास लगाने हैं, तो एक अच्छा सा इसका फ्रंट डेकोरेट हो जाएगा आपका। वैसे थोड़ा सा नीचे ऊपर करके लगाएंगे तो वो थोड़ा भरा भरा लगेगा, और बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ आपको ये बनाना है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे हम एक सुंदर टीहरा प्रिंसेस क्राउन अपने घर पे खुद से बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक जो है प्रिंसेस टीहरा रेडी है। मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कि एक सुंदर सा आगे से और पीछे से आप इसको अपने किसी पार्टी में भी इसको पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये टीहरा आप सिंपली अपने घर में बना सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आपको नहीं लगेगी। ये काफ़ी सस्ता जो है सामान से ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये प्रिंसेस क्राउन टीहरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ थम्स अप। आपकी कोई फीडबैक है, क्वेरी है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, और आप मेरे नेक्स्ट DIY का ज़रूर वेट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।